हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम BSNL के दो ऐसे प्लान के बारे में बताने वाले हैं, जिस प्लान में अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको यहां पर मात्र 33 रुपये का जो कि अंतर देखने को मिल जाता है, लेकिन 33 रुपये में ही आपको काफ़ी सारा बेनिफिट का जो कि अंतर देखने को मिल जाएगा और काफ़ी सारा जो कि वैलिडिटी का भी अंतर देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से प्लान है जिसमें आपको 33 रुपये ज़्यादा दे करके या 33 रुपये कम दे करके आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, एक एक जानकारी देंगे। उसके साथ आपको मैं अलग से दो और भी प्लान बताऊंगा जिसमें आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए जानते हैं कौन से प्लान हैं। जो प्लान के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर एक प्लान BSNL में आता है 666 रुपये और एक प्लान 699 रुपये। तो इन दोनों प्लान के अगर हम डिफरेंस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइस का, तो आपको देखने को मिल जाता है 666 और 699, यानी कि 33 रुपये का अंतर। बात करें BSNL में 666 रुपये वाले प्लान का, तो 666 रुपये में यानी कि 666 रुपीज़ में आपको यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल जाता है, जो आप लोकल स्टडी कहीं भी कर सकते हैं। 100 SMS प्रतिदिन मिल जाते हैं। अगर डाटा की बात करें तो आपको यहां पर 2 GB प्रतिदिन डाटा मिल जाता है। 2 GB प्रतिदिन जो डाटा मिलता है 666 रुपये में, BSNL में अगर उसकी खपत कर लेते हैं तो आपको यहां पर 40 KBPS के स्पीड में डाटा यूज करने को मिल जाता है, यानी कि अनलिमिटेड डाटा की सुविधा आपको मिल जाता है। अगर वैलिडिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर 105 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है 666 रुपये वाले प्लान में। अब बात करते हैं कि 666 रुपये वाले प्लान के बाद अगर आप जो कि यहाँ पर 33 रुपये अधिक देते हैं तो यहाँ पर 699 रुपये हो जाता है। 699 रुपये का रिचार्ज अगर आप कराते हैं BSNL में, तो आपको यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल जाता है, जो आप लोकल स्टडी कहीं भी कर सकते हैं। 100 SMS प्रतिदिन आपको मिल जाते हैं। अगर डाटा की बात करें तो आपको इस प्लान में 0.5 GB डाटा यानी कि 0.5 GB डाटा आपको जो कि रोजाना मिल जाता है। जो 0.5 GB डाटा मिलता है उसकी अगर आप खपत कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 80 KBPS के स्पीड में डाटा यूज करने को मिल जाता है। अगर इसमें हैलोटिन की बात करें तो इस प्लान में आपको हैलोटिन की भी सुविधा मिल जाता है। वैलिडिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर BSNL में जो कि 699 रुपये वाले प्लान में आपको 130 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप BSNL में रिचार्ज कराने के लिए 666 रुपये को छोड़ करके 33 रुपये अधिक देते हैं 699 रुपये वाले प्लान को जो कि आप रिचार्ज कराते हैं, तो आपको यहाँ पर जो कि 25 दिन की वैलिडिटी ज़्यादा मिलता है, यानी कि 666 में आपको मात्र जो कि 105 दिन की वैलिडिटी मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर जो कि 699 में 130 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर दो प्लान अलग से हम बताने वाले हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर जो दोनों प्लान है, यह नया प्लान लॉन्च हुआ है BSNL में, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। एक प्लान यहाँ पर देखने को मिल जाता है 269 रुपये, एक प्लान देखने को मिल जाता है 769 रुपये। तो इन दोनों प्लान में आपको क्या मिलता है जो कि नया BSNL में लॉन्च हुआ है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 269 रुपये का रिचार्ज कराते हैं BSNL में जो नया प्लान है, तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल जाता है, जो आप लोकल स्टडी कहीं भी कर सकते हैं। SMS की बात करें तो 100 SMS प्रतिदिन मिल जाते हैं। अगर डाटा की बात करें तो आपको यहाँ पर 2 GB प्रतिदिन डाटा मिल जाता है। 2 GB प्रतिदिन जो डाटा मिलता है उसकी खपत कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 40 KBPS का स्पीड में डाटा यूज करने को मिल जाता है। अगर वैलिडिटी की बात करें 269 रुपये वाले प्लान का, तो आपको यहाँ पर 30 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है। और एक जो नया प्लान है BSNL में 769 रुपये का है, यानी कि 769 रुपीज़ का। अगर इस प्लान को अगर आप BSNL में कराते हैं तो आपको यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल जाता है, जो आप लोकल स्टडी कहीं भी कर सकते हैं। SMS की बात करें तो 100 SMS प्रतिदिन मिल जाते हैं। डाटा की बात करें तो आपको यहाँ पर 2 GB प्रतिदिन डाटा मिल जाता है। 2 GB प्रतिदिन जो डाटा मिलता है 769 रुपये में, अगर उसकी आप खपत कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 40 KBPS के स्पीड में डाटा यूज करने को मिल जाता है। वहीं इसकी वैलिडिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर 90 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है 769 रुपये वाले प्लान में। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से 4 प्लान के बारे में बताया, 2 प्लान ऐसे बताया कि दोनों प्लान में जो कि किस तरह से आप जो कि कौन से प्लान कराते हैं 666 या 699, तो आपको 33 रुपये ज़्यादा देने से क्या होता है, 33 रुपये कम देने से क्या होता है, और साथ ही साथ दो नए जो कि BSNL में नए प्लान लॉन्च हुए हैं उसके बारे में करता हूं कि हमने आपको जो यहां पर 4 प्लान के बारे में बताया वो प्लान आपको अच्छा लगा होगा। इन 4 प्लान में से आपको सबसे अच्छा प्लान कौन सा लगा, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आप दूसरे प्लान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।